नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखी देश की। उन्होंने वैक्सीन को लेकर तमाम अहम बातें यहां पर सामने रखी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को जब तक वैज्ञानिक आधार पर परखा नहीं जाएगा, तब तक इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया नहीं जाएगा। पहले जांच की जाएगी कि ये लोगों के लिए सुरक्षित है, उसके बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। कितनी डोज होंगी, कितनी कीमत होगी, इस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। ये हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये राज्यों के साथ मिलकर के, एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही है वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाई व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। कमलेश सितार हमारे संवाददाता भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येन चौहान हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। लेकिन गोपी घांगर का सबसे पहले रुख करते हुए, गोपी, जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, आज जब वहां के सीएम ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, क्या दिक्कतें बताई उन्हें, इस पर कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जब इस पूरे मामले को, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से गुजरात में फैल रहा है, सबसे ज्यादा केसेस यहां पे आ रहा है, तो सबसे अहम होता है हॉस्पिटलाइजेशन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री को कहा कि गुजरात के पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल है, करीब 45,000 बेड फिलहाल खाली है पूरे गुजरात के अंदर। तो अगर मरीज आते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही डिसाइड की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो डोरस्टेप पर किस तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि कोरोना के अंदर जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है उन लोगों के लिए होम आइसोलेशन भी रहता है। तो वैसे में जो 104 सर्विसेज है या फिर धन्वंतरी सर्विसेज है वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी जानकारी दी, होम आइसोलेशन में क्या क्या प्रोटोकॉल है ये सारी चीजों की ब्रीफिंग दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक करीब 11 लाख लोगों की कोरोना टेस्ट
टेस्टिंग हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि जो टेस्टिंग है उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए, तब जो 23 नवंबर यानी कल अकेले एक ही दिन में 70,000 जितने कोरोना टेस्टिंग किए गए हैं, सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। साथ ही जो कोरोना की टेस्टिंग है, साथ ही चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो या एंटीजन टेस्टिंग हो, ये सारी टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन का जो परीक्षण है वो अब गुजरात में शुरू होगा। करीब 1,000 लोगों पर अहमदाबाद की जो 16 सिविल अस्पताल है वहां पे इसका परीक्षण किया जाएगा और उन 1,000 लोगों का एक पूरा लिस्ट तैयार किया गया है जो वैक्सीन आज या कल में गुजरात के एयरपोर्ट पर आ जाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास गोपी। और इस बीच हरियाणा की भी बात करेंगे जहां के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने उनसे आगे की रणनीति को लेकर मशवरा भी मांगा। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए जी, ये सारे विषय तो आगे आंकड़े वाले तो जी। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया, तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल कम से कम जहां 100 की संख्या का स्पेस है तो वहां 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। ये परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे आप। हमारे संवाददाता सत्येन चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येन, 6 जिले यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने गिनाए जहां पर पब्लिक गैदरिंग्स पर कितनी संख्या में लोग शामिल हों इस पर अब लिमिट लगाई जाएगी, लेकिन कोई और प्रोटोकॉल है जिसके तहत अब और ज्यादा सख्ती से काम लिया जाएगा? क्योंकि हरियाणा में भी वाकई जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता पैदा होती है और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आंकड़े तो हम देख पा रहे हैं, प्रयास किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे वो बताइए। देखिये नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुख्यमंत्री अभी बता रहे थे कि जो हरियाणा के ये जो जिले हैं एनसीआर के, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये वो इलाके हैं जो दरअसल बिल्कुल आप इन्हें दिल्ली का ही एक हिस्सा एक तरीके से मान लीजिए, अगर बीच में बाउंड्री ना हो। और दिल्ली में इस समय कोरोना विस्फोट हुआ पड़ा है तो लाजमी है कि इनका असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़ में होना लाजमी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने इन जिलों के लिए अलग से नियम बनाए हैं जिसमें गैदरिंग की बात है, गैदरिंग में जो संख्या थी उसको कम कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री ने कल ही ऐलान किया था कि अगर लोग नहीं मानेंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो सरकार एक बार सख्त रवैया अपना सकती है और एक बार फिर से स्टेट में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। और रही आज की प्रधानमंत्री से मीटिंग की बात, तो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम वो अपनी रणनीति बताई है जिसके तहत आने वाले समय में कोरोना पर रोकथाम लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार से मांगे थी वो भी बताई है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू हैं, हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं, उनकी फिलहाल स्थिति क्या है और आगे सरकार से क्या मदद चाहिए, इस तरह की बातें इस मीटिंग में हुई हैं। तो क्योंकि दिल्ली और जो एनसीआर है हरियाणा का वो बिल्कुल एक ही हिस्सा है और दोनों में ही एक्शन रिएक्शन एक जैसा होता है, तो सरकार के लिए चंडीगढ़ से ज्यादा चिंता जो दिल्ली से लगते हुए इलाके हैं और इन्हीं को लेकर सरकार ने नए नियम और कानून बनाए हैं। और ये भी कहा गया है कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें अब बदला जा रहा है क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े इस वक्त चिंता का विषय बने हुए हैं, महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य है। इस वक्त कमलेश सुतार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, महाराष्ट्र के आंकड़े भी डरा रहे हैं, वो भी कम नहीं है। यही वजह है कि 3 राज्यों से आ रहे जो लोग हैं उन्होंने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अगर वो मुंबई एयरपोर्ट पर या फिर मुंबई रेलवे स्टेशन पर
दाखिल होते हैं। ऐसे में क्या लगता है आने वाले वक्त में इन नियमों में और सख्ती की जा सकती है, कुछ ट्रेनों को बंद किया जा सकता है, कुछ ऐसे शहर हो सकते हैं या राज्य हो सकते हैं जहां से फ्लाइट्स को भी रोका जाए? पहले तो जिन चार राज्यों का जिक्र किया, गुजरात, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, इन चार राज्यों से जो भी प्रवासी आएंगे मुंबई में उनके लिए नए निर्बंध लागू किए गए। सबसे पहली बात मतलब जो एयर ट्रैवलर्स है, रेलवे ट्रैवलर्स है और बाय रोड आने वाले जो ट्रैवलर्स है उनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पर इशू कर दी गई है। जो एयर ट्रैवल करेंगे उनके लिए 72 घंटे पहले टेस्ट लेना, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेना मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। जो ट्रेन से ट्रैवल करके महाराष्ट्र में पहुँचेंगे उनके लिए भी 96 घंटे पहले अराइवल के कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया। और साथ ही साथ जो रोड से ट्रैवल करेंगे स्टेट में आएंगे तो हर स्टेट्स को यह हिदायत दी गई है कि स्टेट बॉर्डर्स पे इसका चेकिंग किया जाए और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लिया जाए। ये हुई एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दो तीन अहम चीजों का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहला था कि महाराष्ट्र ने एक टास्क फोर्स बनाया है। महाराष्ट्र की तकरीबन 12 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए किस तरह से जो वैक्सीनेशन आएगा उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए क्या अपडेट्स है। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला के साथ भी मुख्यमंत्री लगातार संपर्क बनाए हुए, इसका अपडेट दिया गया। और दूसरी अहम बात जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कही, उन्होंने ये कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने से रोका जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां विशेषकर महाराष्ट्र में जिस तरह से हर चीज को लेकर रास्ते पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, जिसके चलते शायद संक्रमण बढ़ सकता है, तो उन्हें रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बैठक ले इन राजनीतिक सभी राजनीतिक दलों के साथ और मामले की गंभीरता समझाए ताकि आने वाले दिनों में संक्रमण ना बढ़े। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं निशाना महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को था, उद्धव ठाकरे का। राजनीति का जिक्र प्रधानमंत्री कर भी रहे थे कि राजनीति इस महामारी को लेकर की जा रही है और ये वो सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कैसे इस राजनीति को रोका जाए। तो एक तरफ बीजेपी का जोश है, दूसरी तरफ कांग्रेस का घमासान। बिहार में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा, वहीं कांग्रेस उसी वक्त में बुरे दौर से गुजरा। कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन पर पहले महागठबंधन के सहयोगी ने सवाल उठाए, फिर कांग्रेस के दिग्गज ही इशारों में ये सवाल करने लगे। आने वाले 6 महीने में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों से लैस है और कांग्रेस अपनी कलह से बेदम। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो 2400 घंटे एक्शन में दिखते हैं। हर राज्य से परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में करारी हार सहन करनी पड़ी है। अब तमिलनाडु की बारी है, यहां पर भी एक परिवारवादी पार्टी चलती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नहीं चलती, परिवार को ही आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस में नेतृत्व का ऐसा संकट है कि बड़े बड़े नेताओं की निराशा खुलकर सामने आने लगी है। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते। बिहार में चुनाव के नतीजे ने बीजेपी में अरमानों की नई उड़ान पैदा कर दी है। बीजेपी वहां एनडीए की नंबर 1 पार्टी है। आरजेडी से भले ही 1 सीट से पीछे रह गई, लेकिन उसकी जीत की स्ट्राइक रेट सबसे शानदार है। उस जीत ने बीजेपी के नेताओं में ऐसा जोश भरा कि पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े बड़े मिशन में जुट गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में पूरी बीजेपी अपने दल बल के साथ एक्टिव है। हर महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह बंगाल जाएंगे। वहीं अगले साल तमिलनाडु में भी चुनाव के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु का दौरा किया। विधानसभा चुनाव छोड़िए, स्थानीय चुनावों में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोर्चा संभाला है, तो जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी DDC के कश्मीर में चुनाव का जिम्मा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को सौंपा गया है। दूसरी तरफ जम्मू में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और अनुराग ठाकुर प्रचार संभाल रहे हैं। बीजेपी इतने तक नहीं रुकी है, बल्कि चुनाव दर चुनाव उसने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं। जरूरत पड़ेगी तो चेहरा भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा और विजय सुनिश्चित है।
दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है, ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। एक तरफ बीजेपी एक जीत से चौवे पर उचक कर दूसरी जीत की गर्दन पर सवार होने का मन बना चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मानो हारने का रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। उसमें अगर कुछ है तो सिर्फ एक सवाल कि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी कुंभकर्णी नींद से कब उठेगी। सारे ये तर्क मीडिया के सामने आकर उछलना, इसमें मेरा जरूर आपत्ति है, क्योंकि हमारे पार्टी तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जहां हमारे फोरम होते हैं, बोलने का जगह होता है, आजादी भी है, हुआ जाके आप कहो। बिहार चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सीटें जीती सिर्फ 19। उसकी स्ट्राइक रेट अगर महागठबंधन के दूसरे दलों मसलन आरजेडी और लेफ्ट की तरह होती तो आज महागठबंधन की बिहार में सरकार होती। ये कचोट आरजेडी की जुबान पर भी उभर आई। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस पर आरजेडी ने भले ही तिवारी के बयान को व्यक्तिगत कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बिहार चुनाव में देखें तो राहुल गांधी ने कुल 8 रैलियां की और 70 सीटों पर 19 जीत के साथ स्ट्राइक रेट रहा 27%। इनसे बहुत आगे 12 रैलियां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीती, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 67%। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो पहले दिन से डेरा डाल दिया था। बिहार चुनावों और 11 राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर कोहराम मचा है। तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। आईना ये कहता है कि हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहाँ है ही नहीं, वहाँ कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा। कांग्रेस अपनी जड़ों से उस वक्त हिल गई थी जब पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई, यहाँ तक कि अमेठी से खुद राहुल गांधी स्मृति ईरानी के हाथों हार गए। उस हार से राहुल गांधी इस कदर खिन्न हुए कि अध्यक्ष पद छोड़ दिया। पार्टी हाथ जोड़कर गुहार करती रही कि मान जाइए, लेकिन राहुल नहीं माने तो नहीं माने। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके परिवार में कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस नेताओं की जिद और लाचारी के आगे सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। वो अब तक अध्यक्ष, लेकिन पार्टी कैसे चल रही है इसको लेकर निराशा और भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि वो अब कौन सा बयान दें। बेहतर ये होगा बैठकर कोई रास्ता हम लोग निकालें और पार्टी को फिर से दोबारा कैसे वापस लाया जाए, मजबूत किया जाए, इसके लिए बात करनी चाहिए। इसको ज्यादा कंट्रोवर्सी में जाना उचित नहीं होगा। आने वाले दिन बेहद चुनावी घमासान के हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ बीजेपी अभी से सक्रिय हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी गोवा में हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा की भी सक्रियता नहीं दिख रही। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विजय के दिन ही बंगाल विजय के लिए इशारों में शंखनाद कर दिया। अगले साल मई तक जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें 4 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन सत्ता पाने के लिए बेचैनी कांग्रेस में दिखती नहीं। आज तक के अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से मुंबई फ्लाइट लेकर आ रहे हैं तो पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। यही नहीं, ट्रेन से इन राज्यों से गुजरकर होकर आने वाले यात्रियों को भी अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से मुंबई आने वाले हवाई यात्रियों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। 25 नवंबर से लागू होगा कोरोना की रिपोर्ट लेकर आने का नियम। जो यात्री बिना कोरोना रिपोर्ट के आए, एयरपोर्ट पर होगा उनका कोरोना टेस्ट। ट्रेन यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी। यात्रा के 96 घंटे के अंदर करवाना होगा टेस्ट।
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फैसला। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से हवाई यात्रा कर मुंबई आने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी। मुंबई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करानी होगी। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट होगा। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा में रुकने या यहाँ के लिए महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन यात्रियों के पास महाराष्ट्र पहुँचने से पहले 96 घंटे के अंदर की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट यात्रियों के पास होनी चाहिए। ट्रेन से आ रहे लोगों के पास अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो उनकी स्क्रीनिंग और शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जिसमें कोरोना के लक्षण दिखेंगे उन्हें अलग किया जाएगा और स्टेशन पर ही उनका एंटीजन टेस्ट होगा। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही रोड ट्रेवल में भी बॉर्डर पर स्थित जिलों में गुजरात, राजस्थान, गोवा और दिल्ली से आने वाले यात्रियों का बॉडी टेम्परेचर आदि लेकर स्क्रीनिंग होगी। लक्षण दिखने पर एंटीजन टेस्ट होगा। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र में भी कोरोना की एक और लहर दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस लहर को सुनामी तक कह दिया। मुंबई में कोरोना केस फिर से 24 घंटे में 1000 के पार हो गए। लगातार 3 दिनों से यहां नए केस 1000 से ज्यादा आ रहे हैं। 20 नवंबर को ही 1031 कोरोना के मामले सामने आए तो 21 नवंबर को संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केस की संख्या 1135 तक जा पहुंची। चर्चा ये भी है कि मुंबई दिल्ली के बीच फ्लाइट और ट्रेन पर रोक लगाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार इस महीने के अंत तक फैसला ले सकती है। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।